हर व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहता है। स्वतंत्र आकाश में आजाद घूमना चाहता है, लेकिन आजादी का लक्षण नहीं समझ पाता। अभी विगत दिनों से हम समझ रहे हैं, हम सम्यक दर्शन जानते चाहते हैं, लेकिन हम मिथ्या दर्शन से छूट नहीं पा रहे हैं। हम पुण्यात्मा बनना चाहते हैं, पुण्यात्माओं की संगति चाहते हैं, लेकिन पापात्माओं की संगति छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम मोक्ष चाहते हैं, लेकिन संसार छूट नहीं रहा है। और एक ऐसी विडंबना बनी हुई है जिसका ही जिस समस्या के समाधान के लिए अवन विगत 10-12 दिन से जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान सम्यक दर्शन नहीं है। वो तो समाधान के बाद होता है, वो तो आनंद है, वो तो आत्मा का स्वरूप है, उसका तो आनंद लिया जाता है। उस समय प्राप्त कुछ नहीं करना, वो प्राप्त हो चुका। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो आनंद लेना, वो तो प्रकट हो चुका, वो तो हमारा स्वरूप था। लेकिन सम्यक दर्शन से हमें, सम्यक दर्शन के चाहने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमारा मिथ्या दर्शन क्यों नहीं छूट पा रहा है? हमने एक दिन कहा था, कितने जैनी है यहां जो सच्चे देव को जानते हैं, सच्चे देव को जानते हैं, सच्चे देव को मानते हैं, जानते ही नहीं है मानते भी हैं, लेकिन खोटे देव क्यों नहीं छूट पा रहे? समस्या सच्चे देव को नहीं जानने की नहीं, वो तो जान चुका, वो तो माँ बाप ने सिखा दिया, गुरुओं ने सिखा दिया जैन में आते कि सच्चा देव कौन है। समस्या यह नहीं है कि मैं सच्चे देव को जानता नहीं हूं, समस्या यह नहीं है कि मैं सच्चे देव को मानता नहीं हूं, समस्या यह है कि खोटा देव छूट नहीं रहा है। समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे गुरु को नहीं जानते, तुम सब जानते हो कि सच्चे गुरु का लक्षण क्या है, सब जानते हो। कोई जैनी नहीं है जो ये नहीं जानता सच्चे गुरु का लक्षण क्या है। और ये आरोप भी नहीं लगा रहा हूं तुम सच्चे गुरु को मानते नहीं हो, मानते हो। समस्या यह है कि खोटे गुरु को छोड़ नहीं पा रहे हो। गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला ये सब जानता है तंबाकू हमारे लिए नुकसानदायक है, छोड़ना अच्छा है, लेकिन जान भी रहा है। बोलो, गुटखा खाने वाले ये जानते हैं कि नहीं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए, पढ़े लिखे हैं कि बिना पढ़े लिखे? पढ़े लिखे सब जान रहे हैं, सब मान भी रहे, हाँ ये सही लिखा है। हमने एक बार पूछा किसी व्यक्ति, मैंने कहा भाई ये सही लिखा कि गलत? तू तो एक बोल दे गलत है तो मैं समझूंगा तेरी कोई गलती नहीं है, फिर मैं तेरे से गुटखा का त्याग नहीं कराऊंगा। पर महाराज एक बात पे बोलो, महाराज मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बड़का चलो नहीं कराऊंगा, पर तू एक बता दे ये जो पाउच पे लिखा है, पाउच था उसके बाद, मैंने पाउच निकालना, मैंने कहा इस पे जो लिखा है बस इतना बता दे सही लिखा है कि गलत लिखा है, तू जानता है कि नहीं? महाराज पढ़ा लिखा हूं। अब मानना और बता दे, तू ये मानता है कि सही लिखा कि गलत? झूठ मत बोलना। तो उसने कहा सही लिखा है। ये सही लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानि? श्रद्धा, पक्की श्रद्धा। मन की थोड़ा भी संदेह हो, कुछ परसेंटेज में संदेह हो,
बोले महाराज 100% सही लिखा है, मान लिया उसने, लेकिन महाराज गुटका छोड़ नहीं पा रहा हो। तो बोलो जानना और मानने से क्या होता है, जानने और मानने से क्या होता है? यही तो अपनी स्थिति, सच्चे देव को मान रहे, सच्चे साध को मान रहे, सच्चे गुरु को मान रहे, सच्चे धर्म को मान रहे, लेकिन समस्या है कि खोटे देव साध गुरु खोटा धर्म छूट नहीं रहा है। छोड़ना चाहे तो नहीं छूटता है। एक गांव सामने से नाली बह रही थी और नाली बहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, भाई मेरे घर के सामने नाली बह रही है, आपकी ये ठीक नहीं है। बोले हाँ ठीक तो नहीं है। खुद कह रहा है कि भाई देखो भाई घर के सामने नाली बहना ठीक है कि नहीं। बोले नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। खुद पट्टा कह रहा है कि बिल्कुल गलत है, किसी के दरवाजे से नाली बहना अच्छी बात स्वीकार कर लिया, मान रहा है, लेकिन बस कहता है नाली तो वहीं से बहेगी। उसने कहा भैया देखो पंचों को बात मानते हो कि नहीं? अरे वही पंचों की बात, पंच तो परमेश्वर होते, तो पंच जो कहेंगे वो तो मानो। अरे पंचों की बात सिर माथे, पंच बैठा लगे, पंचों के सामने प्रस्ताव रखा, बोले हस्ताक्षर करो, पंच जो कहेंगे वो सही कहेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो दशरथ बोले पंच तो परमेश्वर है, जो आप बोलो सब, पंच तो झूठ कभी बोलते ही नहीं है। सब हो गया, लेकिन नीचे नोट लगा दिया, पर ध्यान रखना साहब नाली वहीं से बहेगी। अब पंचायत काय की और पंच, यही हो रहा है अपनी सबकी जिंदगी में आज तक, यही हो रहा है। बच्चे गुरु सच्चे हैं, भगवान सच्चे हैं, शास्त्र सच्चे हैं, लेकिन नाली वहीं बहती रहती, कसाय नाली शांति सुधा भी झरती है। दूसरी नाली नहीं बनाना है, जिस नाली में गंदगी बह रही है उसी नाली में से शांति सुधा भी झरता है। आत्मा एक ही है, दो आत्माएं नहीं है, एक आत्मा धर्म करने वाली, एक आत्मा अधर्म करने वाली। एक आत्मा को सच्चे देव के पास भेज दो, एक को खोटे देव के पास भेज दो, तुम्हारी कितनी आत्माएं हैं? तो एक आत्मा है तो एक बार में एक ही जगह तो जाएगी, दो होते तो फिर भी ठीक था। महाराज एक आत्मा तो हम सच्चे देव के पास रखते हैं, एक खोटे के पास रखते हैं, आत्मा एक ही है, एक ही परिणाम है, दो परिणाम हो नहीं सकते। नाली वहीं से बहेगी ये फैसला जब तक हमारी जिंदगी करती रहेगी हम कभी भी न्याय के पद को नहीं पा पाएंगे। हमारे मन में धारणा है, पक्षपात है, पक्षाघात है, सारी दुनिया सही गलत कह रही, नाली गलत है, वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि नाली बहना गलत है। जैसे उसने कहा ना गुटखा खाना गलत था, गलत है और गलत, लेकिन गुटखा छूटेगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अब क्या मतलब क्या? इतना ज्ञान अपन ने कर लिया, इतनी मान्यताएं अपनी हैं, सब कुछ सही मान लिया, लेकिन बस वहीं की वहीं है। कहां हुए हम आजाद, कहां हुई हमारी परतंत्रता? हमारा ज्ञान सही है, हमारी श्रद्धा सही है, हमारी मान्यता सही है, फिर भी हम गुटके के गुलाम हैं। हमारा सब कुछ ज्ञान सही है कि ये सब कार्य गलत है, फिर भी उन गलत कार्यों के हम गुलाम हैं। सब मानते हैं कि कसाय गलत है, मानते हैं, फिर भी कसाय के गुलाम हैं। सब मानते हैं क्रोध बुरा है, फिर भी निमित्त मिलने पर क्रोध के गुलाम हो जाते हैं। इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ,
मुझे ये क्रोध करना चाहिए या क्रोध के शंगुल में आ गए। सब कर्मों को दुश्मन मानते हैं, कर्म दुश्मन है, लेकिन हर व्यक्ति कर्मों का गुलाम है। ये दुश्मन है, इसके अनुसार हमें नहीं नाचना है, फिर भी कर्म हमें नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। और मालूम है कर्म दुश्मन है, इसके अनुसार नहीं नाचना है, लेकिन कर्म नचा रहा है, हम नाचते क्या करेंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन हमारी समस्या का समाधान नहीं है, सम्यक ज्ञान हमारी समस्या का समाधान नहीं है, सम्यक चारित्र हमारी समस्या का समाधान नहीं है, सच्चे देव साध गुरु हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हमें प्रयास ये करना है, खोटा देव कैसे छूटे, सच्चा देव कैसे प्राप्त हो, ये थोड़ा सा कम करो, बहुत हो गई। सच्चा देव मुझे कैसे मिलेगा, इसके संबंध में अपन ने बहुत जिंदगी खपा दी और हमें सच्चा देव मिल भी गया, बदकिस्मती नहीं है। हम जो चाहते हैं वह होता है, हमने चाहा कि हमें सच्चा कुल मिलना चाहिए, मिल गया। हमने चाहा कि हमें भारत देश मिलना चाहिए, मिल गया। हमने चाहा कि हमें जैन धर्म मिलना चाहिए, मिल गया। हमने चाहा कि सच्चे देव मिलना चाहिए, मिल गए। हमने चाहा कि सच्चे गुरु मिलना चाहिए, मिल गए। हमने चाहा कि सच्चे साथ मिलना चाहिए, मिल गए। जो चाहा सब मिला, लेकिन फिर भी अभी कल्याण का रास्ता नहीं खुला। हमें चाहत थी कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि गुटका क्या है, मुझे नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हो गया और हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ। जानते हुए खाओगे तो शायद कैंसर नहीं होता होगा, नहीं मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूं। नहीं जानते हुए खाएंगे तो फिर महाराज फिर वो गुटखा नुकसान नहीं करता, मानते हुए खाएंगे तो फिर कोई गुटखा नुकसान नहीं करता, बिना माने बिना जाने खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जानकर खावे तो नहीं। आप लोगों की धारणा हो तो मैं प्रैक्टिकल करूं, तो मैं नाम बता के खिलाऊंगा सेल्फ आस, जान लो अच्छी तरह जान लो, बताओ ये सेल्फ आस है कि नहीं। हाँ हाँ मतलब सेल्फ आस ही है, जान लिया कि नहीं। और ये सेल्फ आस मारता है कि नहीं। हाँ मतलब पक्का मारता है, लेकिन अब नहीं मारी क्योंकि मैं जान के खा रहा हूं। सुसाइड वाला जान के खाता है कि अनजाने में, फिर वो मरता है कि नहीं। मरता है, मर रहे हैं हम सब जानते हुए भी, भटक रहे हैं हम सब जानते हुए भी, हम उन्मार पे जा रहे हैं सन्मार को जानते हुए। सच्चा रास्ता हमें पता है कि ये सच्चा रास्ता है, फिर भी हमारे कदम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जानते हुए जा रहे हैं। क्या होगा इससे, कैसी आजादी, कैसे धर्मात्मा, कैसे अच्छे आदमी। आज 99% धर्मात्मा ऐसे ही है, 99% धर्मात्मा ऐसे ही हैं जो सच्चे धर्म को जानते हैं, लेकिन वो सच्चे धर्मात्मा है नहीं, क्योंकि अधर्म नहीं छूट रहा है। 99.99 है जो गुटके के संबंध में जानते हैं कि गुटका स्वास्थ्य के लिए, कितना परसेंट मान लो, कितने परसेंट जानते होंगे। सब जानते हैं लेकिन गुटका छूट नहीं रहा। बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं उदाहरण इतने सरल देता हूं कि हमारा कठिन से कठिन विषय तुम्हारी गर्दन रहा, मतलब आगे समझ में। वैसे कहूँगे तुम धर्माधर्म कर रहे हो, तुम धर्म को जानते हो फिर भी अधर्मात्मा हो, धर्म को जानते हो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो महाराज ये बात समझ में नहीं आई। हम धर्म को जान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कल्याण नहीं होगा। जब ऐसी कठिन बात जब मैं बोलता हूँ ना, तब
तुरंत मन कहता है बहुत कठिन बात हो रही है, लोग सब उड़ा देंगे, तुरंत हमारे मन में उदाहरण आ जाता है। वो उदाहरण ऐसा फिट बैठता है कि तुम यूं यूं कर रहे थे ना, जो कितना बढ़िया उदाहरण है गुटका का, सब जानते 99.99 जानते हैं क्या होगा इससे, खाना तो छूटे ही नहीं है, कैंसर तो हो गई होगी, दुर्गति तो होगी होगी, जान बूझ कर अंध बने हैं आखन बांधी पाटी, जान बूझ करके अंध बन रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध रहे और कह रहे हम धर्म जानते हैं। इसलिए मैं विगत 10-12 दिनों में तुम सम्यक दर्शन को जानना छोड़ दो, छोड़ना नहीं है थोड़ा रोक दो, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा सुन ली, सम्यक दर्शन का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत उमंगे आ जाती, मुंह में पानी आ जाता, आत्मा कहती मुझे चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और मोक्ष की चर्चाएं ऐसी महिमा मंडित की शास्त्रों में कि उनको सुनकर के मन हो जाता है। जैसे आप बाजार में या कोई वस्तु आप लेने नहीं गए, लेना नहीं चाहते हो, और सेल्समैन यदि अच्छा विज्ञापन कर दे तो मन मचल जाता है, वैसे भाव नहीं था, किसके कारण भाव हो गया, विज्ञापन, बाजार में वो लेने नहीं गए थे लेकिन जैसे उसकी महिमा सुनी तो लेने का भाव हो जाता। यही दशा हमारी और आपकी आज हो रही है, हमने मोक्ष का विज्ञापन सुन गया, हमारा मन मचल गया, मुझे भी मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष की महिमा ही ऐसी गाई, जिनवाणी माँ ने ऐसी महिमा गाई कि जो मोक्ष चले जाते उनको कोई संकट नहीं आता, कोई दुख नहीं आते, अनंत सुख आता है, और ऐसी महिमा गाई, ऐसा विज्ञापन किया, जो माल नहीं बिकता हो विज्ञापन करा दो, और उसमें भी अमिताभ बच्चन के नाम से करा दो। मैंने एक बार पेपर में देखा जो अच्छे स्टैंडर्ड के विज्ञापन करता है, श्रद्धावान होते ना, वो उसको कुछ संबंध में कुछ बोलते नहीं है, छूते भी नहीं है, टेबल पर रखा है लाल तेल कूल कूल, और अमिताभ बच्चन बाजू में यूं खड़ा है। मैंने इससे क्या हो रहा है, बोले इससे दुनिया को पता चल रहा है कि अमिताभ बच्चन का फेवरेट क्या है। अब जो नहीं लेता होगा तो वो तेल को जान के नहीं ले रहा है, वो अमिताभ बच्चन के नाम से ले रहा है, क्योंकि तुम्हारा सुपरस्टार है ना, विज्ञापन कर दिया आपने, उसको मान लिया। यही हो रहा है जिनवाणी ने, हम साधुओं ने जो मोक्ष की खूब विज्ञापन किया जम के, तुम्हारा मन लचन गया, मुझे भी मोक्ष जाना है। हमने सम्यक दर्शन की महिमा गाई कि सम्यक दर्शन ऐसी चीज है, अनंत संसार सुख का चुल्लू भर रह जाता है, और वो क्या महिमा गाते हैं, सम्यक दर्शन कर्णधार है, रत्न है, सब कुछ गा दिया, तुम्हारा मन बचल गया, तुम चिल्लाने लगे क्या चाहते हो सम्यक दर्शन, वो गोदी में बैठा है वो छोकर क्या चाहता है, तम्बन दर्शन, आजकल सब थोतले बच्चे चुप तुतला रहे हैं, वो भी गोदी में बैठने वाला कहता है क्या चाहिए, तम्य दर्शन, क्यों कुछ नहीं? ये कुछ गोदी में बैठने वाले बालक की बात नहीं कर रहा हूं, इस गद्दी पर बैठा हूं ना तो ये बालक तुम ही लोग हो, जिनवाणी माँ के अनुसार बालक अविरत सम्यक दृष्टिग्रत भली 100 साल का क्यों ना हो वो बालक है, और आजकल तुम भी चिल्लाने लगे हो क्योंकि हम लोगों ने विज्ञापन कर दिया ना, समय सार पढ़ लिया ना, अब समय सार जो एक बार पढ़ लेना वो बालक क्या चाहिए, तम में दर्शन, बस आप देखना जितने कंजाइस्ट होते हैं समय सार पढ़ने के एक में क्या चाहिए बोलो, उस भाषा में बोलो, बालक की भाषा में क्या चाहिए, तम में दर्शन, और ऐसी रट लगा ली। मैंने कहा ये इसको सम्यक दर्शन कुछ पता नहीं है, किसी समय सार में इसने विज्ञापन पढ़ लिया है, कहीं किसी ग्रंथ में विज्ञापन पढ़ लिया है, इसलिए इसका सारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा के अनुभव की बात कही,
आत्मा का आनंद परमानंद है, अखंड आनंद है। लो साहब क्या चाहिए? आत्मानंद। आत्मानंद तूने कहां से जान लिया? आत्मानंद छद्मस्त व्यक्ति कभी आत्मा को जान ही नहीं सकता। आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन कभी भी अवरे समय दिग्रस्त आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, आत्मा के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी ग्रस्त चिल्ला रहा है, पंडित चिल्ला रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मानुभूति, ये विज्ञापन से प्रभावित है। उन्होंने शास्त्रों में विज्ञापन पढ़ रखे हैं, कभी भी चिल्लाने लगे आत्मा आत्मा आत्मा, और यही हो रहा है। हमने धर्म की महिमा गाई, तुम धर्म धर्म चिल्लाने लगे, हमें धर्म चाहिए, मुझे धर्मात्मा बनना है, क्योंकि हमने विज्ञापन कर दिया है, हमने विज्ञापन कर दिया, हमने विज्ञापन कर दिया, मंदिर आओ सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मंदिर आ गए, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब वही भाषा बोलते जाओगे। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अभी तक कर रहा हूँ। हाँ, ककड़ी को ठटड़ी बनाते जाओ, ककड़ी को बनाते जाओ, चले जाएगा, चलते जाओ। तुम कहते जाना ककड़ी और सुनने वाला सुनेगा। मंदिर जा रहे, क्या कर रहे हो? माला फिर रहा हूं, माला। क्या हो गया है? इसलिए थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। विज्ञापन के बहकावे में आने की अपेक्षा सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन को जानने की अपेक्षा ये देखो सम्यक दर्शन में बाधक क्या है, कौन रोक रहा है हमारे सम्यक दर्शन को, कौन हमें सच्चे गुरु के पास जाने तक भी हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे, सच्चे देव को जानते हुए हम मिथ्या दृष्टि बने, कौन है इसमें कारण? दवाई सही है, मर्ज भी सही है, डॉक्टर भी सही है, फिर भी मर्ज ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ये खोज इस युग के सबसे पहले पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने खोजी। ये खोज कुंदकुंद स्वामी नहीं कर पाए। कुंदकुंद स्वामी तो बहुत विज्ञापनकार थे, सुपरस्टार थे ना, जैसे तुम्हारे हीरो में सबसे सुपरस्टार किसको मानते आज? पुरानों में भी, नए में थे, आज भी कहते हैं अमिताभ बच्चन। तो इसी प्रकार हम शादियों में सुपर हीरो आचार्य कुंदकुंद महाराज, सुपर स्टार। अब उनके नाम पर जो चाहो वो बिक जाता है, बस एक बार कुंदकुंद स्वामी कहते में या कुंदकुंद स्वामी के ग्रंथ में लिखा मिल जाए। हम लोगों की इतनी अंधी श्रद्धा है कुंदकुंद स्वामी पर, कुछ भी बोलने में हम तुरंत कहेंगे किसने कहा है, बस बस खत्म, आगे कोई प्रश्न ही मत करना, प्रश्न ही मत करना, कुंदकुंद स्वामी ने कहा है। अब हमारा मन मरज ज्यादा ले लो, क्योंकि विज्ञापन कुंदकुंद स्वामी का कहा। लेकिन कुंदकुंद स्वामी सफल नहीं कर पाए। इतना अच्छा समयसार, इतने अच्छे स्वाध्याय, इतना बढ़िया प्रवचन, उसके बावजूद भी हमें रोग हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे गलत हो रहे। ये बात फिर पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने पकड़ी, और पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने कहा, नहीं, पुरुषार्थ दूसरा करो। जितना हम गुटका को जानने में प्रयास कर रहे हैं, उतना प्रयास हम गुटका को छोड़ने में कर रहे हैं, तो बिना जाने ही लाभ हो जाएगा। एक व्यक्ति जानकर मानकर खा रहा है, और एक व्यक्ति ना जानता है ना मानता है फिर भी गुटखा खा नहीं रहा है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? वो कुछ नहीं जानता बेचारा, आड़म ताड़म
वो गुटखा का कुछ भी नहीं जानता कि इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या नुकसान है, ये उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बस उसने तो एक ही नियम ले लिया, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। अब बोलो, और एक सब जान रहा है, सब कर रहा है और खा रहा है, दोनों में से कैंसर किसको होगा? वो दशा है इस सब दुनिया की। इसके संबंध में अपन कोई विचार करना है, प्रयास करो कि मैं बाधक तत्व को जान जाऊं। बाधक को कौन कौन नहीं छोड़ने दे रहा है, कौन मुझे कुगुरु के पास ले जा रहा है, कौन कुदेवों के पास ले जा रहा है, कौन कह रहा है कि नाली वहीं से बहेगी, दुनिया में यही तो हो रहा है। पंच की बात परमेश्वर से, सब पंच लोग जो निर्णय करोगे मानोगे? अदालतों से फैसला होने के बाद भी तुम्हारा बैर भाव नहीं जाता? अदालतों से फैसले हो जाते हैं फिर भी कसाए, बल्कि ज्यादा हो जाती है। चुनाव हार जीतने के बाद कसाई मिटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। क्यों? मात्र एक कारण है, पंचों की बात मंजूर है, पंच जो कहते सब सही कहते हैं, गलत बोलते नहीं हैं, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। बताओ भैया, पंच परमेष्टि कैसे अच्छे हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो, हिम्मत करो बोलने की, महाराज पंच परमेष्टि को मैं नहीं मानता हूं। अभी देखना, अभी जैसे गुटके का कहा ना, एक जानता है और खा रहा है, और एक नहीं जानता है लेकिन खा नहीं रहा है, ऐसे आप लोगों पकड़ रहा हूं। आप कह रहे महाराज जी गुटके की कहानी सुना रहा हूं, जब भी साधु कोई कथा सुनाए तो समझ लेना ये पत्थर तुम्हारे सिर पे आने वाला है। अब देखना, पंच परमेष्टि को मानते हो कि नहीं? एक आध वो हो जाओ जो नहीं मानता है, पक्ष विपक्ष बना लो। एक आध कोई निकल जाए कि ना मैं नहीं मानता हूं, मैं पंच परमेष्टि को नहीं मानता हूं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, और ना मैं पंच परमेष्टि को जानता हूं। जानता भी नहीं हूं, रिपीट कर रहा हूं, जानता भी नहीं हूं, मानता भी नहीं। दूसरा व्यक्ति कौन है? पंच परमेश्वर को जानते हो रे तुम सबके? नहीं आओ आओ आप महाराज, आप भी नहीं जानते उतना जानते जानते। पंच परमेश्वर को मानते हो के नहीं मानते? ये साचे हैं के झूठे हैं? जोर से बोलना। इनका फैसला मंजूर है कि नहीं? आओ अब देख। और उसने क्या कहा था? ना मैं पंच परमेष्टि को जानता हूं, ना मानता हूं, ना उसका फैसला हमें मंजूर है। लेकिन उसने कहा, भैया मैं कल से नाली यहां से नहीं बहने दूंगा। मुझे भी लगा कि अच्छा नहीं है, तो मैं नाली यहां से नहीं बहने। पंचों की बात नहीं मानी उसने, वो परमेष्टि को मानते ही नहीं था। पंचों की बात नहीं मानता, पंचों को जानता नहीं है, लेकिन उसने नाली बहाना बंद नहीं। नाली बहुत सही बात है, नाली हमारे दरवाजे नाली बहती तो देखना उसका चिंतन देखना। नहीं भाई नाली नहीं बहने दूंगा, यानी मेरे दरवाजे बहती तो मुझे कितना बुरा लगता, इतना ही बुरा आपको लग रहा होगा, इसलिए मैं नाली नहीं बहने दूंगा। पंचों मंचों से उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता, पंचों की बात मंजूर है, पंच सही बोलते हैं, पंचों को मैं मानता हूं, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। अब दोनों में से अच्छा आदमी किसे कह दे, आप लोग फैसला आप करो, पहला वाला के दूसरा वाला। देखो तुम्हारे पंच परमेश्वर पंचों को मानता नहीं है, ध्यान रखना, वो पंचों को जानता भी नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं नाली तो कायदा से बहना, उसने हमारे दरवाजे बहती तो कैसा लगता। और दूसरा कौन है? अब आप ही फैसला करो, आप कौन है? आप लोग जितने मेरा प्रवचन सुन रहे हैं सब पंच परमेष्टि को मानते हो, मुझे भी मालूम है, और उनकी बात भी मानते हो,
ये भी मानते हो कि सब महाराज जो भी बोल रहे हैं सब, एक बार और बोलना, अच्छा लगता है थोड़ा सा, सही है ना? पर आगे नीचे नोट लगाओ, नाली वहीं से बहेगी। बस इतने में तो सब कुछ खत्म हो गया। सारी खीर बनाई, सब बहुत अच्छे, सब माल मटेरियल सब बढ़िया डाला, इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, खीर बहुत अच्छी बनी, इसमें इलायची भी है, इसमें क्या क्या पूरी चीजें मुझे मालूम नहीं है, तुम डाल लेना और सब। अरे भैया अब तू कहना बंद कर, खाने दे, अब मुंह में पानी आ रहा है, खाने दे। अब भाई सुन लिया मैंने, जो तुमने और डाला हो तो वो भी डला है, तू बंद तो कर, मुझे खाना तो दे, और जैसे ही उस खाना, लेकिन ध्यान रखना। लेकिन क्या बोले, से मैं एक छोटी सी छिपकुली की पूंछ गिर गई थी। अब खाना शुरू करो, जल्दी करो, खीर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, अब खाओ ना। अरे महाराज भूखों मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन बस इतनी सी गलती है। बोलो अनादिकाल से महानुभाव अपनी आत्मा ने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। अपन बहुत अच्छे इंसान हैं, अपन बहुत अच्छे आदमी हैं। महावीर के जीव को भी हम इतना अच्छा नहीं मानते जितने अच्छे अपन लोग हैं। आज वर्तमान की तारीख में और महावीर जी का इतिहास उठाते हैं, महावीर कृष्ण पुराण में, तो हम तो महावीर जी कहते भगवान आपसे तो अच्छा नहीं हूं। बोले कैसे? बोले तुम्हारा एक समय ऐसा जीव था कि ऋषभ देव को गालियां दे रहा था, ऋषभ देव के विरोध में था, पोता होकर के ऋषभ देव को बुरा कह रहा था। हम तो कम से कम ऋषभ देव के कोई नहीं है, फिर भी उनको भगवान कह रहे हैं। मारीच की वह दशा उठाओ जब वो ऋषभ देव का विरोधी था, मारीच की वह दशा उठाओ जब ऋषभ देव को बुरा कह रहा था, उनके विरोध में जाकर 363 मतों की स्थापना की थी, उस मारीच का कल्याण हो गया, उस मारीच का कल्याण हो गया। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा निकृष्ट, ऋषभ देव की सीधा फाइट करने वाला, कुछ भी नहीं जानता था ऋषभ देव क्या है, अरहंत भगवान क्या है, कुछ नहीं जानता था, मानता भी नहीं था, फिर भी वो भगवान बन गया कि नहीं? अपन तो उससे अच्छे हैं कि नहीं आज के दिन? बोलो कौन भगवान को गाली दे रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कम से कम भगवान को भगवान मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको विरोध नहीं करते, उनसे अच्छे हैं, फिर भी गारंटी है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? मारी समझने का प्रयास करना महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मारीच उस दशा में था तब भी ऋषभ देव ने कह दिया इसका कल्याण होगा। लोग कहते इसका क्या कल्याण होगा महाराज? भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या कल्याण होगा जो आपको गालियां दे रहा है, जो मिथ्या मत की स्थापना कर रहा है? बोले नहीं, इसका कल्याण होगा। और हमारे और आपकी बात पूछी जाए, बोले इनके संबंध में नहीं कह सकते। अरे भाई मैं तो भगवान को मान रहा हूं, आपको प्रथम तीर्थंकर मान रहा हूं, भक्तांबर पाठ पढ़ रहा हूं, आपके महापुराण को पढ़ता हूं, बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोल रहा हूं, फिर भी गारंटी नहीं है, फिर भी गारंटी नहीं ले पा रहा है। क्यों? मात एक कमी के कारण। पंच परमेष्ठी को मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको श्रोधार्य करते हैं, लेकिन आगे अब आप बोलते जाओ, बार बार मेरा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि बार बार आजकल क्या है, हम कोई अशुभ शब्द बोलते हैं ना, तो उसको लोग काउंट कर, महाराज ने इतने बार अशुभ शब्द बोला, तो अब एक आध बार मैं बोलूंगा, बाद में तुम भी तो फंसो बेटा, बाद में अशुभ जानना बोला, एक बार मैंने बोला, अब तुम अपने आप से बोलो। हम पंच परमेष्ठी को मानते हैं, जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन नाली से वही बजे थे, क्या खाक के पंच परमेष्ठी क्या करेंगे, क्या होगा इससे, क्या होगा इससे?
इससे अच्छा वो श्रेष्ठ है जो पंच परमेष्ठि को नहीं मानता है लेकिन घोषणा कर दी कल से नाली नहीं बहेगी। धर्म क्या है, कहां अपन धर्म में उलझ गए हैं और कहां धर्म था। ये बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सच्चे देव साध गुरु को मानूंगा, अब मुझे धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दो। बोले नहीं दूंगा, मैं सच्चे धर्म को मानूंगा, सर्टिफिकेट दो। नहीं दूंगा, मैं मुनि बन जाता हूं, सर्टिफिकेट दो। बोले नहीं दूंगा, मैं सच्चे मार्ग को बताता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, अब तो मुझे साधो। नहीं दूंगा, पहले इस फार्म में भरो, सच्चे देव साध गुरु को मानूंगा, एक भरो पहले भरो, ये तो भरा हुआ है, तुम्हारे बाप ने भर दिया था, तुम 8 वर्ष के थे ना तब भरा गया था कि मेरा देव कौन है, सच्चे देव साध गुरु है, ये तो बल्दियत से आया, 8 वर्ष में तुमने भी कहा और तुम मंदिर आ भी रहे हो, तुम मान भी रहे हो, चौका लगा भी रहे हो, सब कर रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ भी रहे हो। समंत भद्र महाराज का फार्म भरो, ये फार्म था कुंदकुंद स्वामी का, तुम लेके बैठ रखो, देखो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, कुछ नहीं हुआ। समंत भद्र महाराज स्वामी का फार्म भरो, उसमें नीचे लाइन में लिखा है कि मैं खोटे देव साध गुरु का त्याग करता हूं, सच्चे को मानता हूं और खोटे का त्याग करता हूं। ये नान्य था वादनो यदमे वो दृश्य वो तत्व नान्यान चान था। क्या गजब की खोज समंत भद्र महाराज ने की, बहुत आनंद आ गया। दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी कमजोरी पकड़ ली, उन्होंने अपनी कमजोरी पकड़ ली है, सच्चे देव साध गुरु को मानते हुए भी अनंत संसार में भटक जाएंगे और हमें बुद्धू बना जाएंगे कि हम भगवान को मानते हैं, पंच परमेष्ठी को मानते हैं और अपन खुश हो जाएंगे, अरे भाई अपना भगत है, लेकिन पीछे नहीं देख पाए कि उसका अंतर क्या है, नाली वहीं से। ये समंत भद्र महाराज देख रहे, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा नीचे लिखो, मैं गुटखा के संबंध में जानता हूं, गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुंदकुंद स्वामी बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा इसको पास कर दो। संबंध कहते भगवान थोड़ा रुको, मुझे रिमाइंडर पे दे दो। समंत्र भद्र महाराज का नीचे भर, आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। समंत्र भद्र महाराज का खोज सबसे पहले दुनिया में, हालांकि ये तो अनादि काल से भगवान की खोज, लेकिन लिपिबद्ध रूप से ये कला समंत्र भद्र महाराज ने पकड़ी कि नीचे लिखवा उससे कि मैं गुटखा संबंध में जानता हूं, मानता हूं और आज से मैं त्याग करता हूं। ये फार्म भरने के बाद फिर तुम्हारा बेड़ा पार है, फिर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। तो हम तो बहुत शॉर्टकट निकाल लेंगे, निकालते आए निकालते आए, कुछ नहीं हुआ, अंत में जाकर के यूं रह जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले मैं तुम्हें 12 दिन से 10-12 दिन से क्षयोपशम लब्धि बता रहा हूं। क्षयोपशम लब्धि सम्यक दर्शन का नियामक कारण नहीं है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि वह है जो हमें पाप से घृणा कराती है। सम्यक दर्शन हमें मोक्ष भेजता है और सम्यक क्षयोपशम लब्धि हमें संसार से तारना सिखाती है, कीचड़ से निकलना सिखाती है, पाप के दलदल से निकलना सिखाती है। आज क्षयोपशम लब्धि के ऊपर प्रवचन देना सब पंडितों ने बंद कर दिए, सब सम्यक दर्शन चिल्ला रहे हैं, जो गद्दी पे बैठेगा सम्यक दर्शन, शास्त्रों में जब पढ़ाएंगे सम्यक दर्शन। उसका परिणाम ये निकला कि जो अभी मैंने कहा था, गोदी में बैठा हुआ बालक भी कह रहा है मुझे भी सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए। नहीं,
आओ छो समृद्धि पे आओ, समझो उसको क्या है। महत्वपूर्ण पंच परमेष्टि नहीं है, महत्वपूर्ण नाली पर विचार करना है। पंच परमेष्टि को मानो या ना मानो, लेकिन नाली बहना बंद होना चाहिए या नहीं। और वह जब होगी, जब हम रुचि जगाएं, ताकत लगाएं, ये संसार क्या है, आजादी क्या है, ये मत सोचो। गुलामियत क्या है? आज स्वतंत्र दिवस है ना, आज देश आजाद हुआ है, हुआ था, और तुम आजादी का अनुभव कर रहे हो। आप वैसे ही हैं, आप वैसे ही आजादी है जो गुटखा के संबंध में सब जानता है, मानता है, लेकिन गुटखा खा रहा है, मरेगा। आज भी देश गुलाम है। कौन सा देश आजाद हुआ है? अंग्रेज भाग गए इसलिए, अंग्रेज चले गए इसलिए। आज अंग्रेज हमें लूटते थे ये बहाना था, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। आज हमें भाई को भाई लूट रहा है, ये आजादी है। आज हमारे ऊपर अत्याचार होते थे अंग्रेजों के द्वारा, वो हमारे दुश्मन थे। आज पड़ोसी पड़ोसी पे अत्याचार कर रहा है। कौन से डाके बंद हो गए? कौन सी हिंसाएं बंद हो गईं? कौन सी चोरियां बंद हो गईं? कौन से बलात्कार बंद हो गए? कौन से व्यभिचार बंद हो गए? कौन सा परिक्रमा का संग्रह बंद हुआ? कौन सा पाप बंद हुआ है अंग्रेजों के बाद? कौन सी आजादी निकल गई है कि आज स्त्री पुरुष के समान दिन रात खुले घूम सकती है? अंग्रेजों के ऊपर हमारा बहाना था कि अंग्रेज लूट लेंगे हमारी स्त्री को। आज तो हम आजाद हैं, आज हम आजाद हैं, लेकिन कौन सी स्त्री है जो पुरुष के समान रात भर बाजार में घूम करके सुरक्षित घर वापस आ जाए? क्या आज है? अब तो अंग्रेज नहीं है, अब कौन है? अब कौन है? भारत माँ का पुत्र भाई है, भाई बहन की इज्जत लूट रहा है, ये कौन सी आजादी है? भारत हमारी, बोलो, आप लोग बोलते हो भारत माता है ना, भारत, एक बार और बोलो, अच्छा लग रहा है, भारत माता है। वंदे, एक बार नमस्कार और करो भारत माता को, नमस्कार करो ना, वंदे माता। माँ कहा है तुमने भारत को, माँ कहा है तुमने भारत को। और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे सब क्या हैं? भारत माँ की। तो उसमें एक नारी, एक कन्या, एक औरत तुम्हारी कौन हुई? जोर से बोलो, तुम कौन हुए उसके? और आज स्वतंत्र आजाद में यदि कोई नारी लूट जाए, तो बेटे ने माँ को लूटा है, भाई ने बहन को लूटा है, कम से कम अंग्रेजों ने लूटा था तो दुश्मन ने लूटा था। अंग्रेज किसी की इज्जत लूटता था तो दुश्मन बन के लूटता था। आज आजाद देश में किसी की इज्जत लूटती है तो भाई बनकर के लूटता है और कहता है वंदे मातरम। ये आजादी का सूत्र है हमारा। आज डाका डालते थे अंग्रेज, डालते थे, हिंसाएं करते थे, आज भाई की हत्या कर रहे थे। अंग्रेजों ने जेल बनाए थे भारतीयों को जेल में बंद करने के लिए, अंग्रेज कभी जेल में बंद नहीं हुआ। भारत में जितने जेल बने थे अंग्रेजों ने बनाए थे, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है, अंग्रेजों की नीतियों का। अंग्रेजों की नीति क्या थी? भारत में जितने जेल बनाए थे, उन जेलों में सबसे ज्यादा किनको बंदी बनाना है? किनको बंदी बनाना है? भारतीयों को बंदी बनाने के लिए जेल बनाए गए थे और बंदी बनाए जाते थे, और उन्हें यातनाएं दी जाती थी भारतीयों के लिए। कितनी यातनाएं दी जाती थी पुराने लोगों से पूछना ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, कितनी यातनाएं दी जाती थी। तुम कोई कहानी पढ़ना, यही पढ़ लेना, लुटेरे अंग्रेजों, पूज्य आचार्य महाराज की पुस्तक थी ना, क्या नाम था, सोने की चिड़िया और लुटेरे, इसी किताब को पढ़ लेना, पिक्चरों में देख लेना, महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र पढ़ लेना,
त्यात्या टोपे का चरित्र पढ़ लेना, किस प्रकार के अत्याचार अंग्रेज करते थे और भारतीयों को लूट करके उनके लिए बनाए गए थे जेल। जेल सबसे ज्यादा कठोर बनाए, जेलों में कोई भी कानून में इतनी कठोर यातनाएं देने का अधिकार नहीं है, लेकिन दुश्मन है ना, वे भारत के दुश्मन थे, इसलिए दुश्मनों को रहने के लिए जेल बनाए थे। उनने कुछ गलत नहीं किया था, दुश्मन को जेल बनना ही बनना ही बनना ही आज। और वो केस चलाते थे, दुश्मन पे केस चलाते थे और दुश्मन को किसी प्रकार जेल में डालते थे, क्योंकि वे दुश्मन थे। आज भारत देश में जेल है कि नहीं, किनके लिए? जेल में डालने वाला कौन है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी। आज भारत, अंग्रेज लोग चाहते थे भारतीयों को जेल में डाल दो, क्योंकि वो दुश्मन थे, वो कोई पाप नहीं करते थे। नीति है दुश्मन को सदा जेल होना ही चाहिए, दुश्मन को जेल में डालना चाहिए, कोई पाप नहीं करते थे, नीति थी। नीति बनाई गई कि दुश्मन को पकड़ के कहां डालना, ये नीति है, न्याय है। सुन रहे हो ना कान खोल के, ये न्याय है। वो कोई पाप नहीं था महानुभाव, क्योंकि वो दुश्मन बन के तुम्हें जेल में डालते थे। बोलो वंदे भारत माता की। और भारत में रहने वाला हमारा भाई है, और भाई भाई को जेल में डाल रहा है। आज भारत के जेलों में कौन बंद हैं? किसने भेजे हैं? कहां की आजादी मिल गई? आज भारत का भाई अपने भाई को जेल भेज रहा है, आज बेटा बाप को जेल भेज रहा है। आज भारतीय भारती के जेल में बंद है, यानी माँ के घर में बंद है, माँ का घर आज जेल खाना बन गया। यह है हमारे देश की आजादी। अंग्रेजों के समय इतने जेल नहीं थे जितने आज, दुश्मनों ने बहुत कम जेल बनाए थे, और आज तो देखो जेल भरे पड़े, ओवर जेल हो रहे हैं। अपने घर के मकान में हम जेली बन गए, हम अपने भारत में आज जेली बन रहे, और किसी दुश्मन ने जेल में नहीं डाला है, किसी भारत माँ के पूत ने ही उस किसी को। आज जितने कोर्ट अदालत चल रही है, कौन किस पे चला रही है? कोर्ट अदालत चलते थे अंग्रेज लोग चलाते थे, भारतीय पर कोर्ट चलाओ, कभी अंग्रेजों ने अंग्रेजों पर कोर्ट नहीं चलाया, भारतीयों पर चलाया। और आज कोर्ट केस किस पे चल रहे हैं? और कहते हम भारत माता की संतान है। उस दिन आजाद होगा भारत देश जिस दिन हर व्यक्ति ये कह देगा कि हम भाई की हत्या नहीं करेंगे चाहे मर जाएंगे। हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है। दुश्मन की हत्या करना पाप जैन दर्शन में भी नहीं लिखा है, विरोधी हिंसा है। दुश्मन को मारने के लिए अनुमति दी गई, शूकर ने शेर को मारा था, सैनिक मारता है दुनिया को। दुश्मन को मारने की अनुमति के संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जब अंग्रेज आ जाए तो निपटा देना, लेकिन कभी मन से वचन से काय से हम भारतीय में रहने वाले भारतीय नागरिक को कभी मारने का भाव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबकी माता, हम सबकी माता एक है। तो एक है तो हम कभी किसी को मारने का भाव नहीं करेंगे। वो झूठ बोलते थे अंग्रेज, इतना झूठ बोलते थे, कभी उन पर विश्वास नहीं करना। सांप पर विश्वास कर लेना, लेकिन अंग्रेज पर विश्वास नहीं करना। बहुत झूठा होते थे, बहुत झूठ, कुछ भी कहलवा दो, क्योंकि वो दुश्मन थे। और दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन से सदा झूठ बोलना, सही मत बोलना। आप भी सीख लो, दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन को जितना झूठ बोल सके छका सको, छकाना पाप नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, दुश्मन से जितना झूठ बोल सको ये कोई पाप नहीं है। पर ध्यान रखना, दुश्मन आए तो बोल देना झूठ। तुम तो अपने घर में ही झूठ बोल रहे हो, बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, बाप बेटे से बोल रहा है, पति पत्नी से बोल रहा है, पत्नी पति से बोल रहा है, भाई बहन से बोल रहा है, बहन भाई से बोल रहा है,
पड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है, और तो गजब क्या, चेला गुरु से बोल रहा है, गुरु चेला से बोल रहा है, भक्त भगवान से बोल रहा है, नहीं भगवान का नहीं कहूँगा, भगवान के नहीं, लेकिन भक्त भगवान से जम के झूठ, कम से कम ये तो हो जाए कि हम एक माता जो हमारी है, हम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठगेंगे नहीं, क्योंकि भाई भाई को नहीं ठगता है, यही छोरी ले लो। अंग्रेजों के समय इतने डाके नहीं डलते थे महानुभाव, नहीं थे चोर इतने, इतिहास उठा के पढ़ो, आज जितने डाके डल रहे हैं, आज घर घर में डाकू पैदा हो गए हैं, वो तो दुश्मन थे, लेकिन आज कम से कम भारत का व्यक्ति अगले, हम सबकी माता एक है, हम कभी किसी भारत माता के पूत के डाका नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मेरा भाई है। आज तो घर घर में डाकू है, मैंने एक दिन प्रवचन में दिया था, घरों में ताले लग रहे हैं किसके लिए, सासू ताला लगा रही है किसके लिए, थोड़ा अच्छा लग रहा था वैसे नहीं, और बहू ताला लगा रही है किसके लिए, बाप ताला लगा रहा है किसके लिए, बेटा ताला लगा, यानी दोनों एक दूसरे की दृष्टि में डाकू हैं। घर में बारात आती है, घर में भाई बारात आ रही है, सब ताले माले सामान रखो सुरक्षित, कई लोग तो घर का सामान उठा के लॉकर में रखा दे, बोले क्यों, बोले क्यों, बोलो ना, बारात आ रही कि डाकू आ रहे हैं, डाकुओं की बारात आ रही है, अरे तेरा ताला लगाना बता रहा है, तेरा लॉकर में रखना बता रहा है कि रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, बोलते तुम बोलते जाओ वापस, रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माल लॉकर में रखने जा रहे हो शादी के पहले, क्या तुम्हारा समाचार रखा है, डाकुओं की बारात, रिश्तेदार डाकू ताला लगाना बता रहा है, यह है आजादी। कम से कम अंग्रेजों के समय दुश्मन को ताला लगाना पड़ता था, अंग्रेज न लूट ले में, लेकिन आज तो घर घर में ताले लग रहे हैं, आज तो घर घर में जाके ताले लगाए जाते हैं घर वालों के लिए, एक माँ है भारत माता, मैं उस दिन आजाद मानूंगा जब भारत का कोई ताला भारतीय व्यक्ति के लिए नहीं होगा, और घर की आजादी जब मानू जाऊंगा जब घर में किसी के ताले, किसी के कमरे में, किसी के अटैची में, किसी की तिजोरी में घर वालों के लिए कोई ताला नहीं होगा। और आपको कैसे मालूम कि घर वालों को लगाया है कि चोरों के लिए लगाया है, हम लोग सब चोरों के लिए लगाते हैं, आप गलत बोल रहे हो, देखो मेरे से मत भिड़ो, पोल पट्टी खोल दो, नहीं महाराज हम लोगों ने ताले लगाए हैं, कोई बाहर का चोर नहीं लूट जाए उसने लगाए हैं, रिश्तेदारों को नहीं लगाए, बोलूं तो भाई, यदि तुमने किसी को नहीं लगाया तो सासू ताला लगा के चाबी बहू को देगी, और बहू ताला लगा के, बेटा ताला लगा के, बाप ताला लगा के, बस इतना कर लो, फिर तो मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं है, आई एम सॉरी प्लीज, फिर मैं कह दूंगा नहीं मैंने तुम्हें गलत समझा, आप लोग यदि चाबी किसी दिन घर छूट जाए और मंदिर आ जाओ, सासू शादी भूल जाए और मंदिर आ जाए, अब उसका मंदिर में आज तो सब सूपड़ा, अरे घर में बहू बैठी है कि डांकन बैठी है, बहू बैठी है कि ढांकन बैठी है, अब उसको खलबली मिली, वो तो छोड़ा है और वहीं रखी, वो बहू देख लिया तो आज तो, लेकिन बहू भी कम नहीं है, ये भी छोड़ा है तो उसको डर है कि आज चाबी सासू को मिल गई तो सब कुछ हो गया, क्या है आजादी। इससे आजादी की परीक्षा समझना पड़ा, चोरी विचार के संबंध में हमने बोली दिया, उस दिन हमारा भारत आजाद होगा जहां कहीं कोई प्रकार का डर नहीं। बहन है मेरी, माता किसकी है, बोलो भारत माता किसकी है, उस लड़की की भी मां कौन है,
बोलो जल्दी बोलो, तुम्हारी माँ कौन है? जब बुरी नजर उठे आंख की तो तुरंत सावधान हो जाना, ये नारी नहीं है, ये लड़की नहीं है, ये मेरी बहन है, क्योंकि हमारी इसकी माता एक है। जिस दिन तुम्हारी आंख में, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात उपज जाए, उसी दिन मैं कहूंगा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम आजाद हो गए। जब तुम्हारे मन में भाव आ जाए कौन जा रही है, बोलो, तुम बोलो अच्छा लगेगा, कौन जा रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना, रक्षाबंधन आ रहा है, और बोलो ना, बहन जा रही है। बेटा आज के बाद जिसने भारत देश की किसी नारी पर बुरी दृष्टि की तो तुम्हारे मुंह से कहलवाया है बहन जा रही है, उसे बहन से विचार करने का पाप लगेगा। और आज यदि तुमने ये नियम ले लिया तो मैं कहूंगा भारत देश आज आजाद हुआ है, जाओ अब कोई खतरा किसी को नहीं। ऐसे ही परिग्रह के संबंध में अंग्रेज लोग पाबंद करते थे, परिग्रह के संबंध में तो कहते कमाओ और मुझे दो। आज भी हमारी मूर्छाएं कितनी बढ़ गई, हम नहीं कमा पा रहे हैं फिर भी मूर्छा तो है ही, मूर्छाएं तो हमारी बढ़ती जा रही। परिग्रह उसे कहते हैं जो हम नहीं कमा पाए उसके प्रति भी हमारी लालसा बनी रहना। अरे जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन जो नहीं कमा सकते उस पर बुरी नियत मत करो। मूर्छा परिग्रह कहा कि हमारी मूर्छाएं इतनी है कि मूंगफली का ठेला लगाते हो और कहते हो मेरे पास अरब रुपया कब आएगा, यह है परिग्रह। ये मूर्छा ये आज भी जिंदा है, आज दुखी है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कभू न सुख संसार में यह जग देखो छान। यह है आजादी का लक्षण, यह है आजादी का लक्षण। दाम बिना निर्धन दुखी, वो दुखी है काहे की आजादी। दूसरी देख लीजिए आज देश में कितनी आजादी बढ़ी है। आज हमारे देश को उस माँ के पास अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, क्या इस माँ को आजाद कहूं? आज हमारे देश के, भारत देश के कितने लड़के एनआरआई हैं, कितने लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, और विदेशी लड़के कितने भारत में पढ़ते हैं। कम से कम उन्होंने अपनी राष्ट्रमाता को इतना मजबूत बनाया कि वहां का बेटा वहीं पढ़ेगा, किसी भारत में आके नहीं पढ़ेगा। लेकिन भारत आज भी दरिद्र है, भारत मां के बेटे आज भी दरिद्र है, होनहार बच्चों, गधों के लिए तो यहां स्थान है, जो गधे हैं ना उनके लिए तो यहां स्कूल है, गधों को पढ़ाने के लिए मां के पास एजुकेशन है, लेकिन अच्छे होनहार बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए विदेश पढ़ने जाना पड़ता है, विदेश पढ़ने जा रहा है। ये सरकारों को सबसे पहले नियम उठाना चाहिए। आज 50 साल 70 साल कितने हो गए आजादी को, 78 हो गए, 78 साल में हम मां भारत माता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मूल भारत को समर्थ नहीं कर पाई। और ये घोषणा जिस दिन हो जाएगी भारत का हर होनहार बच्चा भारत के स्कूल में पढ़ेगा उस दिन हम आजादी का फल। भारत के बच्चों विदेश जाना पड़ रहा, आज जैनियों के बच्चे को शाकाहारी लोग कहते हैं, हम आजाद हैं, हम शाकाहारी हैं, काहे के शाकाहारी हैं? आज 90% बच्चे शाकाहारियों के, अच्छे बच्चे मांसाहारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे, गधे बच्चे नहीं, गधे बच्चे तो जैन स्कूल में पढ़ते हैं, सुन रहे हो ना, गधे बच्चे कहां पढ़ते हैं और अच्छे बच्चे कहां पढ़ते हैं? उन स्कूलों में जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिन पर तुम्हारी फीस पर बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, डिनर होता है, जिन कॉन्वेंटों में आप जाते हो दोपहर में देखो वो सारे टीचर मिलकर के मुर्गे काट करके डिनर करते हैं, फीस किसकी है? जैन साहब की। कॉन्वेंटों में सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे पढ़ते हैं
और हर डिनर में उनके यहाँ देख लो दोपहर में अंदर मांसाहार होता है, और शाकाहारी अपने आप को कह रहे हैं। शाकाहारी उस दिन माना जाएगा, उस दिन समृद्ध माना जाएगा जिस दिन सारे शाकाहारी ये घोषणा कर दें कि शाकाहारियों के जितने अच्छे बच्चे होंगे वो शाकाहारी स्कूल में पढ़ेंगे, मांसाहारी में नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे पास अच्छा स्कूल ही नहीं है, हमारे पास तो गधों के लिए स्कूल है। बोलो है कि नहीं? बिहार वाले, तुम्हारा जो स्कूल है पन्नालाल जी स्कूल है क्या अंदर, उनमें गधा पढ़ते कि अच्छे? जैन स्कूल उठा के देख लो जितने सब हैं, अच्छे विद्यार्थी कहाँ पढ़ते, कहाँ पढ़ते? और अंग्रेजों के समय अच्छे विद्यार्थी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे, और आज कहाँ पढ़ते? आज मेडिसिन ले लीजिए, आजादी के बाद बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? पहले 10 गांव में एक डॉक्टर होता था, आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं फिर भी लाइन लगी है, बीमारी बढ़ गई। विज्ञान का युग है, विज्ञान ने क्या दिया? सबसे बड़ी चीज है वो विकास कहलाता है, प्रथम सुख रोगी का, पहला सुख निरोगी का कहा है। तो जिस देश में, जिस विकसित युग में, जिस विज्ञान के युग में निरोगता बढ़े बीमारी घटे वो विकास कहलाता है। आज विज्ञान ने इतना विकास कर दिया लेकिन बीमारी कितनी बढ़ा दी। आज छोटी सी फुड़िया जांच कराओ कैंसर निकलाते, उसने ना गुटखा खाया ना शराब पी, कुछ नहीं खाया, जिंदगी भर शुद्ध भोजन किया, कैंसर निकल आए। यह है देश की आजादी, यह है वैज्ञानिक युग। कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने और कैंसर निकल आया छोटी सी गुड़िया। क्यों? हवाओं में जहर घोल दिया विज्ञान ने, पानी में जहर घोल दिया, शाकाहार सब्जियों में जहर घोल दिया, फलों में जहर घोल दिया, शाकाहार को ही जहरीला बना दिया। आज सब्जियां भी शुद्ध मिलने वाली, अब हम तो शाकाहारी हैं सब्जी खाते हैं। तो हमें समझना है महानुभाव। और दूसरी बात, अपने अंतरंग की आजादी जब है, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, ये आजादी नहीं है। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, ये सच्ची आजादी है। कोई मुझे अंडर में नहीं चला सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं रहता, आजादी है। मैं किसी को बंधन में नहीं रखूंगा, मैं अपनी तरफ से छूट दो। जब तुम दुनिया को आजाद कर दोगे तो फिर आजादी का आनंद आत्मा की दृष्टि से होगा। लेट शुरू हुआ, समय हो गया, लेकिन आजादी का प्रवचन कुछ समझ में आया? हम कौन हैं? भारत माता की संतान है। एक दिन आज पूरे भारत को एक माँ की संतान होकर के आज का दिन गुजारना देखो कैसा लगता है। सारे भारत के लिए संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश, आज पूरा राष्ट्र के नाम संदेश है। पूरा राष्ट्र कम से कम आज के दिन ये अनुभव करे, हम सबकी माँ, हम सबकी माँ, बस भारत की माँ एक है और सबकी माँ एक है। तो जब सबकी माँ एक होती है तो बेटों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या नेचर होता है, कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये तरीका अपने आप आ जाएगा। जब भी तुम्हारा कोई भी भाव बिगड़े, जब भी कोई तुम्हारा परिणाम बिगड़े, एक ही बात पर विचार करना कि जब तुम्हारी परिणामों में बिछड़ जाए, एक ही बात सोचना कि हमारा भारत एक है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है कि